हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सारा काम कर लिया, खाना वाना सब कुछ बना लिया है। आज मैं बनाऊंगी जैसे जो वेस्ट पन्नियाँ नहीं आती हमारे घर पे, जो कपड़े की पन्नियाँ आती हैं इनसे, और जो वेस्ट कपड़े हो जाते हैं छोटे मोटे, कैसे भी हो जाते हैं हम उन्हें फेंक देते हैं, उनसे हम पिल्लो बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये पिल्लो कैसा बनता है। मैं भी पहली बार बना रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसा बनेगा। फ्रेंड्स, जो सबसे पहले जो पन्नी रहती है ना, हम उसे उल्टी कर लेंगे। इसको उल्टी करने के बाद जो इसके एंडिंग पॉइंट्स रहते हैं ना, उनको अंदर की साइड मोड़ देंगे। ऐसे हमें जितना पिलो चाहिए ना, उसके हिसाब से ही अब इसे मोड़ देते हैं। देखिए, हमने ये मोड़ लिया है। अगर हमें और छोटा छोटा पिलो चाहिए तो हम इसे और मोड़ लेंगे। मैं जो सोफे के ऊपर रखने के जो पिलो होते हैं ना छोटे वाले, वो बनाने की कोशिश करती हूँ। ये इतना हो चुका है। अब जो वेस्ट कपड़े नहीं रहते, कोई भी वेस्ट कपड़े हो, हम उन्हें पहले अच्छे से तय करेंगे। तय करने के बाद हम इसमें फिल करते जाएंगे। जैसे ये हमें ऐसे करना है और इसे इसके अंदर फिल कर देना है। मतलब कपड़े जचा के रखने, इसके अंदर ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही डाल दिए। जचा के रखेंगे तो वो सीधे रहेंगे। जितना भी आपको मोटा चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें फिल कर लें। फ्रेंड्स, ऐसे हमने ये फिल कर लिया है। अब देखिए, इक्वल है ये, हमें इतना ही मोटा चाहिए। और इसको ऐसे करने के बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के लिए आप सुई धागे से लगा सकते हैं या मशीन से लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको सिलाई मशीन से लगानी है तो जो इसका एंडिंग पार्ट रहता है, ये जो एंडिंग पार्ट रहता है, जहाँ से हमने ओपन छोड़ा था, इसको जहाँ से भरा था उस साइड सिलाई लगानी है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसको अच्छे से पहले तो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, सारे कपड़ों को अच्छे से कर दें, फिर इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, ऐसे करके हमें इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, मशीन चल नहीं रही है तो मैं हाथ से ही टाके लगा रही हूँ। अगर आपकी मशीन सही है तो आप मशीन से भी लगा सकते हैं।
देखिए हमने इसको सिक्योर कर लिया है, अब हम इसको थोड़ा दबा देंगे और देखेंगे इसको इक्वली कर देंगे, और बीच में भी एक टाका लगा देंगे ताकि जो कपड़ा है वो ज्यादा ना सरके। फ्रेंड्स ऐसे ही हम दोनों साइड लगाएंगे, एक साइड नहीं। फ्रेंड्स हमने दोनों साइड टक्का लगा लिया है, एक ये साइड रही और दूसरी ये साइड रही। अब आपके पास कोई कवर हो तो इसको कवर कर दे। मेरे पास एक ये पुराना कवर रखा हुआ था तो मैं इसे इसके हिसाब से ही काट लूंगी। फ्रेंड्स हम ये कपड़ा ले लेंगे, जैसे कोई भी वेस्ट कपड़ा रखा हो ना आपके पास आप ले लें, और इसको हम लगा के देखेंगे हमें कितना चाहिए। जितना चाहिए उसके हिसाब से आप इसको काट दें। इसे ये पहले तो यहां से सी लेंगे और फिर हमें इसकी ये साइडें सीलनी है, तो पहले यहां से सीलते हैं। ऐसे करके हम सारे को सील लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ये सील लिया है। सीलने के बाद अब एकदम परफेक्ट इसकी शेप भी आ गई है, और इसको आप उतार के धो भी सकते हैं जब ये मैला हो जाए। फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।